अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं हूं आपका मेज़बान शाह फैसल और आप देख रहे हैं फैसल दीवान टीवी। डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लेक्चर नंबर 13 ऑफ आवर कोर्स थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस। बिफोर वी स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर, लेट मी गिव यू अ क्विक रिकैप ऑफ आवर प्रीवियस लेक्चर, लेक्चर नंबर 12। वट एवर वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर वॉज प्रूफ ऑफ द क्लीन्स थ्योरम पार्ट 1, प्रूफ ऑफ द क्लीन्स थ्योरम पार्ट 2। मजीद हमने आपके साथ कुछ टीजीज की एग्जाम्पल्स भी शेयर की, उन टीजीज को किस तरह से आप GTGs में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके लिए आप किस तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, वो भी हमने आपके साथ शेयर की, एक्सप्लेन की, डिस्कस की। होप्स हो कि आपको कुछ सारी एग्जाम्पल्स समझ आ गई होंगी। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम मजीद कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल आपके पास, आप देख सकते हैं एक टी जी आपके पास गिवन है जिसमें आपके पास दो इनिशियल स्टेट्स हैं, दो फाइनल स्टेट्स हैं। तो आपने क्या करना है कि जो क्लीन्स थ्योरम पार्ट 2 है उसका स्टेप नंबर 1 और 2 इम्प्लीमेंट करना है और यहाँ पर एक इनिशियल स्टेट और एक ही फाइनल स्टेट आपने बनानी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्टेट बनाएंगे, उसको इनिशियल स्टेट कंसिडर करेंगे और जो दोनों की तरफ 1 और 2 के जाने ट्रांजिशन पाथ एच होगा उस पर आपने लैम्डा लेबल कर देना है। सेम इसी तरह से यहाँ पर एक आपने स्टेट इंट्रोड्यूस करवाना है और उसको फाइनल स्टेट कंसिडर करना है और जो उन उसकी तरफ ट्रांजिशन एच जो मूव कर रहा है उसको आपने लैम्डा लेबल कर देना है। इस तरह से कुछ आपने करना है, हमने आपको जैसे बताया वैसे यहीं पर हुआ है। तो अब इससे जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपने क्या करना है कि इसको जो स्टेट ट्रांजिशन एच 1, 2, 3, 4 है उसको आपने रिड्यूस करना है। वो आप किस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से आप कुछ रिड्यूस कर सकते हैं। जो आपके पास देख सकते हैं इनको जो ट्रांजिशन एजेस आपके पास दो दो जा रहे थे, बी और डबल ए और डबल बी, आपने इनको एक ही ट्रांजिशन एच बनाना है लेकिन दोनों को आपने ऐड कर देना है, बी प्लस डबल ए प्लस डबल बी। ये आप देख सकते हैं इस तरह से आपने कुछ करना है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि जो स्टेट्स 1, 2, 3 और 4 है ये स्टेट्स आपने एलिमिनेट करनी है। तो इस तरह से आप टी जी को मजीद रिड्यूस कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, लैम्डा बी प्लस डबल ए बी होल क्लोयर और लैम्डा, नीचे के आपके पास ट्रांजिशन बनेगी लैम्डा ए प्लस डबल बी ए का होल क्लोयर लैम्डा, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि आपने मजीद इसको रिड्यूस करना है तो एक इनिशियल स्टेट और एक फाइनल स्टेट दोनों के बीच में एक ही ट्रांजिशन एज बनाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आपने फिर से दोनों को ऐड कर देना है। सबसे पहले आपने लैम्डा रिमूव हो जाएगा हर जगह से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। फिर आपने बी प्लस डबल ए बी का होल क्लोयर प्लस ए प्लस डबल बी ए का होल क्लोयर, ठीक हो गया, दोनों को ऐड कर देना है। जो आपके पास एक ही ट्रांजिशन एच पे जो आपके पास आ जाएगी सारी ट्रांजिशन, वो आपके पास ही रेगुलर एक्सप्रेशन कंसिडर की जाएगी, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल आपसे डिस्कस करते हैं। वो आपके पास एग्जांपल है इवन इवन की। इवन इवन में क्या होता है कि आपके पास जो पहली स्टेट होती है वो आपके पास इनिशियल और फाइनल दोनों कंसिडर की जाती है। तो आपने क्या करना है कि जो दोनों स्टेट्स को आपने स्प्लिट कर देना है, एक आपके पास इनिशियल स्टेट आ जाएगी, एक आपके पास फाइनल स्टेट आ जाएगी। जो आप ट्रांजिशन एच जो जो पाथ होगा उसको आपने एज अ लैम्डा लेबल कर देना है। इसी तरह से देखें, हमने जैसे आपको बताया वैसे ही किया गया है। अब यहाँ पर क्या करना है कि स्टेट नंबर 2 को आपने एलिमिनेट करना है। ये जो सारी आपके पास ट्रांजिशन आएंगी इसका सेल्फ लूप चलेगा स्टेट नंबर 1 पे। तो अब यहाँ पर क्या करना है, ए बी प्लस बी ए और डबल ए प्लस डबल बी होल क्लोयर ए बी प्लस बी ए की सेल्फ लूप चल जाएगी 1 पे। दिखाते हैं आपको, ये देखें इसी तरह से हमने जैसे आपको बताया वैसे ही हुआ है। अब यहाँ पर स्टेट नंबर 1 पे हमारे पास दो लूप्स हैं लेकिन हमने क्या करना है कि हमने एक ही लूप चलानी है, सेल्फ लूप चलानी है। उसके लिए सिंपली क्या करना है कि ये सारा यहाँ से उठाना है, यहाँ प्लस का साइन डालना है और उसके साथ आपने पहले वाली सेल्फ लूप डबल ए प्लस डबल बी के साथ इस सेल्फ लूप को आपने ऐड कर देना है। अभी आपको दिखाते हैं, ये आप देख सकते हैं किस तरह सिंपली बस ऐड कर दिया। इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को आपस में कनेक्ट करना है लेकिन दरमियान में जो भी स्टेट है हमने उसको एलिमिनेट करना है और एक ही ट्रांजिशन एज बनानी है। उसके लिए क्या करेंगे कि आप जो है ये लैम्डा और लैम्डा ये आ जाएगा, इसके साथ ऐड अप हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप। फिर उसके बाद जो कनेक्ट हो गया ट्रांजिशन एज एक बन गई है इनिशियल और फाइनल स्टेट के दरमियान, जो आपके पास आ रही सारी ट्रांजिशन उसमें से लैम्डा रिमूव हो जाएगा और यही आपके पास बन जाएगी आपकी रिक्वायर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक हो गया। इससे आगे हम आगे मूव करते हैं क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3 की जानेब। सबसे पहले आपको बता देते हैं उसकी स्टेटमेंट क्या होगी,
क्लीन सीरम पार्ट थ्री स्टेटमेंट इफ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सप्रेस बाय रेगुलर एक्सप्रेशन देन देयर एग्जिस्ट एन एफ ए एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज। अगर एक लैंग्वेज है उसके लिए आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं तो फिर आप उसके लिए एफ ए भी बना सकते हैं, वो लैंग्वेज आपके पास एफ ए भी एक्सेप्ट करेगी। ठीक हो गया। पार्ट ए, एज द रेगुलर एक्सप्रेशन इज ऑब्टेन्ड अप्लाइंग एडिशन कंकैटिनेशन एंड क्लोजर ऑन द लेटर्स ऑफ एन अल्फाबेट एंड द नल स्ट्रिंग सो वी आर बिल्डिंग द आर रेगुलर एक्सप्रेशन समटाइम्स द कॉरस्पॉन्डिंग एफ ए मे बी बिल्ड इजिली एज शोन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। मतलब क्लीन थ्योरम पार्ट थ्री में हम दो चीज़ें करेंगे, एक को नाम देंगे हम यूनियन का, एक को नाम देंगे कंकैटिनेशन का। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपके पास एक एग्जाम्पल है कि एक लैंग्वेज है सिग्मा डिफाइंड ए बी पे है जो कंसिस्टिंग ओनली बी है। ठीक हो गया, सिर्फ बी उसमें आ रहा है, उसका आपके पास हमारे एफ ए दिया हुआ है। ठीक हो गया। ए बी की सेल्फ लूप चल रही है, ए वापस रिवर्स ट्रांजिशन हो रही है, इनिशियल से फाइनल की तरफ बी आ रहा है। ठीक हो गया, मतलब इसमें सिर्फ बी की ट्रांजिशन आपके पास हो रही हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है कि सिर्फ जिसमें एक लैंग्वेज है सिग्मा डिफाइंड है ए बी पे और सिर्फ उसमें लैम्डा इंक्लूडेड है, तो उसको आपने इनिशियल फाइनल पहली स्टेट को इनिशियल फाइनल दोनों कंसिडर कर लिया है। ठीक हो गया, ए बी ठीक हो गया, तो इसमें आपके पास सिर्फ आ जाएगी लैम्डा की ट्रांजिशन। तो ये वैसी एग्जांपल्स हैं, इसको आपने बेशक आप इन्हें डिस्कस करें या ना करें, लेकिन मेन चीज़ आपके पास जो क्लीन सीरम पार्ट टू में दो मेथड्स हैं उन्हें आपने बहुत ही गौर से देखना है। ये नंबर वन है यूनियन ऑफ द टू एफेस और दूसरा है कंकैटिनेशन ऑफ द टू एफेस। तो सबसे पहले आपको यूनियन की तरफ ले चलते हैं। यूनियन में आपने क्या करना है, यूजिंग द एफेस कॉरिस्पॉन्डिंग टू आर वन एंड आर टू एन एफ ए कैन बी बिल्ट, यानी R1 और R2 आपने दोनों को ऐड करने और उसके लिए एक R3 तीसरी FA आपने बनानी है। एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं कि अभी आपके पास लेट R1 इज इक्वल टू A प्लस B होल क्लोयर B, मतलब B पे एंड हो रहा है, ये आपके पास FA है, इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट B, B पे एंड हो रहा है। ठीक हो गया। और दूसरी आपके पास FA गिवन है जिसमें डबल A आ रहे हैं। ठीक हो गया। इन दोनों पे आपने करना है यूनियन जो है आपने इम्प्लीमेंट करना है। ठीक हो गया। तो हम डायरेक्ट आपको ले चलते हैं यूनियन के, आप क्या करना है, आपने इसके लिए बनाना है ट्रांजिशन जो आपके पास वो टेबल होता है। ठीक हो गया। तो पहले जब हम एक एक एफ ए के लिए ट्रांजिशन टेबल बनाते थे तो हम सिंपली लिख देते थे कि ये इसकी जो है ओल्ड स्टेट है, ओल्ड स्टेट पे ए रीड करने के बाद ये यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर आएगा बी रीड करने के बाद। लेकिन यूनियन यूनियन जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे वहाँ पर आपने कुछ इसके रूल्स होंगे वो आपने याद रख लेने हैं। सबसे पहले जो आप यहाँ पर ओल्ड स्टेट में ओल्ड स्टेट न्यू स्टेट्स आफ्टर रीडिंग ए और बी, ठीक हो गया, ये आपने टेबल बना लेना है। फिर अगर आप इसके टेबल बनाने की तरफ आएंगे तो वो हम आपको बता देते हैं कि आपने क्या करना है, दोनों एफ एस को देखना है। पहले आपने एक स्टेट ले लेनी है, उसको जी वन का नाम दिए, ठीक है, एक्स वन और वाई वन। ठीक हो गया। अब एक्स वन पे रहते हुए अगर ए रीड कर रहे हैं तो वो कहाँ जा रहे हैं, एक्स वन पे ही रह रहे हैं, आपने यहाँ एक्स वन लिख दिया। Y1 पे A रीड करते हैं वो कहाँ जा रहा है, Y2 पे जा रहा है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर X1 और Y2 आपके पास एक न्यू स्टेट बन गई, इसको आपने नाम दे देना है Z2 का। ठीक हो गया। अब X1 पे रहते हुए अगर B रीड कर रहा है तो वो कहाँ जा रहा है, X2 पे जा रहा है, यहाँ आपने X2 लिख देना है कॉमा। Y1 पे अगर B रीड कर रहा है कहाँ जा रहा है, Y1 पे रह रहे हैं। X2 और Y1 एक न्यू स्टेट बन गई है तो इसको आपने नाम दे दिया Z3 का। ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास जो नेक्स्ट है आपने Z2 की स्टेट आपने देखनी है, X1 और Y2। अब X1 पे A रीड करते हुए कहाँ जा रहा है, X1 पे रह रहा है। और नेक्स्ट आपके पास, ठीक हो गया, आपने जो ये न्यू स्टेट है वहाँ पर आपने लिख दिया है कि वो X1 पे रह रहा है, Y2 पे अगर वो A रीड करता है तो वो कहाँ जाता है, वो Y3 पे जा रहा है। ठीक हो गया। इसी तरह से चलिए हम आपको टेबल से ही बता देते हैं कि ये किस तरह से आप बना रहे हैं। X1 पे अगर वो B रीड कर रहा है X2 पे जा रहा है, Y2 पे अगर B रीड कर रहा है Y1 पे जा रहा है। तो ये आपके पास Z3 की जो स्टेट है वो आपके पास अगर पहले से बनी होगी तो आपने रिपीट नहीं करनी, तो ये आपके पास पहले से बनी हुई है तो आपने वही नाम इसको दे दिया है। फिर Z3 की स्टेट के लिए आपने देखना है। ठीक हो गया। वहाँ पर अभी X2 और Y1 है, X2 पे A रीड कर रहा है X1 पे जा रहा है, Y1 पे A रीड कर रहा है Y2 पे जा रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर X2 पे रहते हुए वो B रीड कर रहे हैं तो X2 पे रह रहा है, Y1 पे B रीड कर रहे हैं तो Y1 पे रह रहा है। ये आपके पास पहले आ चुकी है Z3 की स्टेट, तो आपने इसको नया नाम नहीं देना, वही वाला नाम उसको दे देना है। ठीक हो गया।
उसके बाद Z4 पे आ जाएंगे। Z4 आपके पास X1 और Y3 है। X1 पे अगर A रीड कर रहा है, X1 पे रह रहा है, और अगर Y3 पे वो A रीड कर रहा है तो Y3 पे रह रहा है। ठीक हो गया, ये Z4 की स्टेट बन रही है, तो आपने इसको नया नेम देने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर X1 पे वो B रीड कर रहा है तो X2 पे आ रहा है, Y3 पे B रीड कर रहा है तो Y3 पे रह रहा है। इसको एक और स्टेट बन गई, इसको नाम दे देना है Z5 का। ठीक हो गया, Z5 की स्टेट देखने के लिए X2 पे अगर A रीड कर रहा है तो X1 पे आ रहा है, Y3 पे A रीड कर रहा है तो Y3 पे रह रहा है। ये आपके पास पहले आ चुकी है Z4 की स्टेट, इसको आपने Z4 ही कंसिडर करना है, न्यू स्टेट का नाम देने की ज़रूरत नहीं है। अब X2 पे अगर B रीड कर रहा है तो वो X2 पे रह रहा है, Y3 पे B रीड कर रहा है तो वो Y3 पे रह रहा है। तो ये Z5 की स्टेट ही है, तो इसको न्यू नाम देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपकी स्टेट्स एंड हो जाती हैं। तो अब आपने क्या करना है कि आपने इसके लिए एक FA कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक हो गया, पहले आपने क्या करना है कि आपके पास Z1 की स्टेट है ना, अगर Z1 पे वो A रीड कर रहा है तो वो Z2 पे जा रहा था। ठीक हो गया, ये आपको दिखा देते हैं। और फिर Z1 पे रहते हुए अगर B रीड कर रहा है तो Z3 पे जा रहा है। ठीक हो गया, उसके बाद अगर Z2 पे वो A रीड कर रहा है तो Z4 पे जा रहा है, और अगर Z2 पे B रीड कर रहा है तो Z3 पे जा रहा है। ठीक हो गया, फिर Z3 पे अगर A रीड कर रहा है तो वो Z2 पे जा रहा है, और अगर B रीड कर रहा है तो वो Z3 पे ही रह रहा है। तो आपने जो उसी पे रह रहा है स्टेट पे, तो आपने उसकी सेल्फ लूप ले लेनी है। ठीक हो गया, उसके बाद क्या करना है आपने के Z4 पे अगर वो A रीड करे तो Z4 पे ही रह रहा है, तो सेल्फ लूप आ जाएगी। B रीड करे तो Z5 पे जा रहा है, Z5 स्टेट पे आखिरी स्टेट पे अगर वो A रीड कर रहा था तो वो Z4 पे जा रहा था, और अगर B रीड कर रहा है तो आपने सेल्फ लूप ले लेनी, वो Z5 पे ही रह रहा था। अब क्या करना है कि जो दोनों का रेगुलर एक्सप्रेशन है वो दोनों आपने सम अप करना है। पहले आपका B पे एंड हो रहा था A प्लस B होल क्लियर R1 प्लस, और दूसरे में डबल ए था तो आर प्लस आर टू, ए प्लस बी का होल क्लोयर, डबल ए प्लस बी का होल क्लोयर। तो आज के लेक्चर को हम सम अप करते हैं। हमने क्या देखा, एग्जाम्पल्स ऑफ राइटिंग रेगुलर एक्सप्रेशन टू द कॉरस्पॉन्डिंग टीजीज, आर ई कॉरस्पॉन्डिंग टू द टीजी एक्सेप्टिंग इवन इवन लैंग्वेज, क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3 हमने शुरू किया, और अभी हमने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया कि दो मेथड्स होते हैं, यूनियन ऑफ द टू एफएस, कंकैटिनेशन ऑफ द टू एफएस। यूनियन ऑफ एफएस हमने स्टार्ट कर लिया, उसके कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस की कुछ, और मजीद आगे चल के भी आपके साथ कुछ और एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। होप्स हो कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आने वाले लेक्चर्स में हम मजीद टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे इस कोर्स के। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। दोबारा हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।